Hi Priya, how are you doing? Hi Himanshu, I'm good. How are you? Wonderful, very, very nice to see you here. Likewise. Wonderful, thank you so much for being on Sag Connect. मुझे सबसे पहले एक बात करनी है प्रिया से. प्रिया को पता है कि प्रिया की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? मुझे लगता है कि प्रिया इज अ डूअर इन लाइफ. कर्म करने में बहुत ज्यादा विश्वास है कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो यू ऑलवेज वेरी प्रोएक्टिव इन लाइफ. इट्स कॉल्ड कर्म योग इन गीता कि जितना ज्यादा हम कर्म करते हैं उतना ज्यादा रिजल्ट मिलता है. एंड यू आर अ डूअर, यू आर वेरी प्रोएक्टिव इन लाइफ. एंड आई हैव सीन दैट कि हम शूट पे भी जाते हैं तो प्रिया को करना है, करने में बहुत ज्यादा विश्वास है. सोचना कम है, करना ज्यादा है, विच इज सच अ ब्यूटीफुल क्वालिटी. द टू डू लिस्ट वो खत्म होनी ही चाहिए. हाँ द डे यू हैव प्लान्ड इट यू कांट कीप एनीथिंग पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट डे. दैट इज व्हाट आई बिलीव. सो यू मेक टू डू लिस्ट एंड यू फिनिश इट एवरी डे. एवरी इवनिंग आई मेक अ टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे एंड आई मेक श्योर दैट द वर्क इज बीइंग डन. दैट्स अनदर गुड क्वालिटी कि अगर किसी काम को शुरू किया है तो उसको खत्म करना पड़ता है, करना जरूरी है. बहुत सारे लोग काम शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते. सो बेसिकली द डेडलाइन एंड द टाइमलाइन मोटिवेट्स एंड पुशेस यू टू फिनिश इट. ऑफ कोर्स, अदरवाइज यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट यू नो एंड देन वो काम रह जाता है, फिर कभी पूरा होता ही नहीं है. बचपन से यू वर मेकिंग इट या यू स्टार्टेड इट अभी? बचपन से. किसने डाली है? आई हैड अ डायरी, यू नो, छोटा नोटबुक होता था तो उस पर मैं लिखती थी सब कुछ कि ये होमवर्क इस टाइम तक खत्म करना है, यू नो. तो बचपन से ही आदत है. बट ये बड़ी अच्छी आदत है. अच्छी आदत है बट समटाइम्स पीपल से दैट यू हैव टू चिल इन लाइफ. कोई काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, इट्स ओके. जब होना होगा तब हो जाएगा, यू नो. यू कांट बी स्ट्रेस्ड ओवर इट. बट देन एवरीवन हैज देयर ओन व्यू एंड ओपिनियन. बट टेल मी समथिंग, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ स्टूडियो लिस्ट में होता क्या है, एवरी डे का क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बना पाते ना. मतलब मैं तो बनाता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी टू डू लिस्ट थोड़ी सी अलग होती है. पहले यू टेल मी व्हाट इज योर टू डू लिस्ट. दैट इज वियर्ड. आई हैव माय वेक अप टाइम, अलार्म सेट होते हैं मेरे 1, 2, 3, 4, 5:30, 5:15, 5:20, you know. By 10 o'clock, I have to be ready, like, you know, completely take shower and done with my workout and everything, ready for breakfast. And then उसके बाद I plan ki okay, I have to do the paperwork, I have to do the bank work, then I have audition. So by 12 to 1, I should finish this audition. And then उसके बाद 4 o'clock, I'll maybe go and buy some grocery. So everything is as per time. So you also mentioned the exact time in that? Exact time, yes. So basically, the good part is you don't keep pending anything what you have done that day. But tell me, how does it help you, according to you, to make the to-do list? Makes me feel very organized and systematic. I feel responsible. It makes me feel more proud of myself. कि ठीक है, I am capable of doing a lot of things, you know, independently. But people depend on people, you know. Okay, यार ये काम कर दे जरा, you know, just do this, go buy this. I don't have that feeling of dependency on anybody. That's a very interesting point. That when you make a to-do list and when you complete it, तो सबसे पहले it gives you a sense of accomplishment कि आपने कुछ achieve किया, आपकी self-esteem, self-worth. Because you don't feel your days wasted, you know. ठीक है, कुछ तो किया दिन भर में, जो काम प्लान किया था वो पूरे काम खत्म करते rather than sitting and just watching TV. It also gives you a sense of direction कि जाना कहाँ है, सुबह उठ के करना क्या है. Because when you have a sense of direction कि मतलब आपको पता है कि सुबह उठ के आपके लिए एक प्लान रेडी है, आपने उस प्लान को फॉलो करना है. छोटे छोटे प्लान, एवरीडे प्लान बिकम्स इनटू अ वीकली प्लान, becomes into a monthly plan, becomes into an yearly goal, and then you can achieve those goals. Exactly. बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता क्योंकि वो टू-डू लिस्ट बनाते नहीं है each day की. उन्हें समझ में नहीं आता कि how important it is and how it's actually giving them a sense of direction in their life. You know, it's they're like steps. So you have to climb every step at a time. That's a wonderful anecdote. कि it's a beautiful example. It's like a staircase. अगर आपको 20 माले की बिल्डिंग पर पहुंचना है, तो अगर आपके पास you have to yeah exactly तो आपको स्टेयर से जाना है. तो every day कि जो टू डू लिस्ट है, इट्स लाइक वन स्टेप एट अ टाइम एंड वन स्टेप. ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाट आई बिलीव. बिकॉज यू इफ यू इवन इफ यू ट्राई टू जंप टू अ हायर फ्लो विदाउट टेकिंग द स्मॉलर स्टेप्स, यू माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड, यू माइट फॉल, यू नो. डज दैट ऑल्सो मेक यू कंट्रोल फ्रीक कि आपको इस टाइम पे ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है समय कि अगर इस समय नहीं हुआ तो इस समय हो जाएगा, बट कोशिश है कि कंप्लीट जरूर करना है. दिस हैबिट ऑफ माइंड वुड इरिटेट माई फैमिली मेंबर्स बिकॉज आई एम टू पंचुअल विद टाइमिंग्स एंड दे से यू नो कि यू नो इसी टाइम पे क्यों, ओके आधे घंटे बात कर लेना, यू नो. सो मे बी आई मिस आउट समथिंग विद देम और दे थिंक दैट वी आर मिसिंग आउट समथिंग विद मी और मे बी यू नो जस्ट गोइंग आउट विद देम. और कभी कभार यू नो आई एम फ्लेक्सिबल होना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोर्स यू जस्ट कांट बी लाइक यू नो
यू कांट बी रिजिड अबाउट इट, वो रिजिडिटी तो सही भी नहीं है ना, फिर तो आप अटक जाओगे उसी चीज के अंदर. लाइक आई विल टेल यू हाउ आई डू इट. सो आई हैव माय डे प्लान्ड, बट माय डे इज प्लान्ड इन टू कैटेगरीज. लाइक वन इज द इम्पोर्टेंट वर्क एंड द सेकंड इज द अनइम्पोर्टेंट वर्क. So important work will usually have anything which is related to my creativity, either recording or creating or writing or anything which enhances my energy. So it will have very minimal things, one or two or maximum three things. And unimportant will have probably calls karna, message karna, isse baat karna, usse baat karna, ya phir you know groceries leke aana, sare operations ke jo kaam hote hain. So main subah subah usually first half mein wahi karta hu. And by the time lunch ho jata, uske baad then I do all the operations ka kaam. To usme kya hota hai ki thoda sa leeway mil jata hai ki agar unimportant work thoda chhoot bhi gaya. तो कुछ नहीं होता, मैं कल कर लूंगा. बट इम्पोर्टेंट उसको मैं कोशिश करता हूँ वैसे दिन फिनिश करें, ताकि एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए. सो दैट्स हाउ यू मेंटेन द बैलेंस.